अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं, आप कैसे? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तैयारी कैसे आप होंगी? तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की? पर क्या कह रहे हैं? मेट्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग मेट टर्म्स की? अभी नहीं शुरू की। क्यों? तो लाइक 2 हफ्ते रह सर, एक एक लेक्चर ही बनता है रोज। गए। हाँ वैसे मॉडल्स फिर भी पढ़ना शुरू कर दें, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो होंगे आपके, और फिर आपके एमसीक्यूज और एसईक्यूज दोनों के अकॉर्डिंगली तैयार करना है। सर सिनेरियो बेस्ड होंगे या सिंपल होंगे बस? बेटा वो भी तो कंफर्म नहीं है, वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन बता देंगे। पता नहीं वो कब ईमेल करेंगे, हम सब उनकी ईमेल का वेट करें, लेकिन वो सबको बताएंगे कि एचटीएस होंगे, एसटीएस होंगे, सिनेरियो बेस्ड होंगे, किस तरह से आपका पेपर होगा, वही डिसाइड करेंगे। अलबत्ता मिड टर्म्स के बाद आपकी एक असाइनमेंट होगी, और असाइनमेंट के बाद आपका वाइवा होगा। तो अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, आपको मिड टर्म्स के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके यस सर, यस और शायद से चला गया। बेटा सबको स्लाइड नजर आ रही है? ठीक यस है, आज हम शुरू करेंगे वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसमें जो हमारे पास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राम नेगेटिव फ्रॉड्स हैं बेटा, उनमें एक है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा है बोर्टेला पर्टुसिस और तीसरा है लीजियोनेला नेमोफिलिया। तो आज हम ये तीनों बैक्टीरिया कवर करेंगे, डिटेल में देखेंगे ये कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो शुरू करते हैं हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। मोबाइल इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसका स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस, ये हमारे पास स्मॉल ग्राम नेगेटिव फ्रॉड है, ठीक है, प्रॉपर इलॉन्गेटेड फ्रॉड, या इसे हम सिर्फ कोकोबैसिलस कहते हैं, मतलब ये कोकाई शेप और रॉड के लाइक समवेयर इट इज इन द मिडल, और दे हैव अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कुछ स्ट्रेन हमारे पास इनकैप्सुलेटेड है, कुछ स्ट्रेन हमारे पास नॉन इनकैप्सुलेटेड है। जो हमारे पास इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन है उनके जो टाइप बी स्ट्रेन है वो हमारे पास मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बट एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन ऑफ हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वैक्सीन आने के बाद हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा की हमारे पास जो इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन है उनसे इन्फेक्शन बहुत कम हो गई है, और अब जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होती है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वो नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से होती है। हाल बता अगर किसी पेशेंट की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो फिर उस पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज जो होगी वो इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन होगी इन्फेक्शन की। ठीक है बेटो, बेटो समझ आई इस पॉइंट की, इनकैप्सुलेटेड और नॉन इनकैप्सुलेटेड की? ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं आगे, फिर से भी चीज रिपीट करेंगे के जो। उसके अलावा हम हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा को कल्चर करते हैं चॉकलेट डैगर पे। बेटा चॉकलेट डैगर पे से कल्चर करते हैं, कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। फैक्टर 5 हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को, और फैक्टर 10 हम कहते हैं हीम को, हीम इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, वहां से हीम। तो हमारे पास इसे कल्चर करते हैं चॉकलेट डैगर पे इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। फैक्टर 5 और फैक्टर 10 इसकी ग्रोथ के लिए असेंशियल है, अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो हम इस ऑर्गेनिज्म को कल्चर नहीं कर सकते।
ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले बेटा आप डिस्कस करें इनका रिजर्वॉयर, इनका रिजर्वॉयर क्या है, इनका कोई भी एनिमल रिजर्वॉयर नहीं है, ठीक है। इनका जो रिजर्वॉयर है वो ह्यूमंस ही है, ह्यूमंस ही हमारे पास ये जो है फेरिक्स उसको कॉलोनाइज करते हैं, टैक्सोजेनिक और नॉन टैक्सोजेनिक स्ट्रेंज। और इनकी फिर ट्रांसमिशन कैसे होती है, इनकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। बेटा ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगी थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जिस तरह से हमारे पास कोरोना वायरस की पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। पैथोजेनेसिस की बात करें तो बेटा ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया और हम ये टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ भी कैप्सूल होगा उसके दो फंक्शन होंगे, एक उसका फंक्शन होगा अटैचमेंट और दूसरा उसका फंक्शन होगा कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा और बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा ये बैक्टीरिया भी हमारे पास स्टैफ फोरेज की तरह IgA प्रोटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे पास स्टैफ फोरेज था वो प्रोड्यूस कर रहा था प्रोटीन ए, वो प्रोटीन ए हमारे पास IgG एंटीबॉडी के Fc पोर्शन को क्लीव करती थी और फिर बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करती थी। जो हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो IgA प्रोटीज प्रोड्यूस कर रहा है, स्टैफ फोरेज प्रोड्यूस कर रहा था प्रोटीन ए और वो एक्ट करती थी इम्यूनोग्लोबुलिन जी पे। जो हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो प्रोड्यूस कर रहा है IgA प्रोटीज, मतलब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए पे एक्ट करेगी और उसके डैमेज करेगी, उसे डिस्ट्रॉय करेगी और फिर बैक्टीरिया को रेस्पिरेटरी एंटीजन को कोलोनाइज करने में हेल्प करेगी। So the pathogenesis of Haemophilus influenza involves its entire phagocytic capsule, IgA protease and endotoxin. ये bacteria हमारे पास कोई भी endotoxin produce नहीं कर रहा। जो हमारे पास organism IgA protease produce कर रहा है वो हमारे पास secretory Ig antibody को cleave करेगा, ठीक है, and that is how it facilitates the attachment of the bacteria to the respiratory mucosa. जब हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया हमारे पास एस्टैब्लिश हो जाएगा, वहां से बैक्टीरिया फिर एक जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जब बैक्टीरिया हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कॉलोनाइज कर लेगा तो वहां से फिर बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो सकता है और फिर ब्लड के थ्रू डिस्टेंट ऑर्गन्स तक स्प्रेड कर सकता है, फॉर एग्जांपल मेनिंजेस तक स्प्रेड कर सकता है, ब्रेन तक स्प्रेड कर सकता है और अपनी स्पेसिफिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। बेटा जो मोस्टली इन्फेक्शन होती हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वो टाइप बी इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से होती हैं, लेकिन जब से हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की हैं तब से अब जो हमारे पास मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होती है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वो नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से होती है, क्योंकि हमारे पास इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन आ चुकी है। जो हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये मोस्टली बच्चों में इन्फेक्शन कॉज करता है बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ्स टू 6 इयर्स। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें कौन कौन से कई इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं तो उसमें बेटा हमारे पास आता है एपिग्लोटाइटिस, मेनिनजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और निमोनिया। ये हमारे पास चार इन्फेक्शन कॉज करता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एपिग्लोटाइटिस में हमारे पास पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन होगी, एपिग्लोटाइटिस में पेशेंट का जो एपिग्लोटिस होगा उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल बी रेड एंड इन्फ्लेम्ड, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रेकियल ओपनिंग नैरो होती है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन डिवेलप हो सकती है अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे। एपिग्लोटाइटिस में एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन होगी, इट विल बी चाइल्ड रेड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन और एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन और एडिमा की वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकती है, सो इट इज रिलेटिवली सीरियस कंडीशन। एपिग्लोटाइटिस के बाद हमारे पास एक और करता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जैसे बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट करेगा वैसे ही इसमें प्रेजेंट करेगा। इसमें क्या साइन सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को हेडेक होगा, फीवर होगा, बिल्कुल एलिडिटी होगी, ऑल्टर्नेट मेंटल स्टेटस हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है। और साइनसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया में पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स होंगे, बेटा साइनसाइटिस में तो आपको पता है कि सिंपली साइनसिस की ब्लॉकेज होती है और जब आप एक्सरे करते हैं पेशेंट का फेस का तो उसमें हमारे पास साइनसिस की ओपेसिफिकेशन होती है। Sinusitis is relatively a self-limited disease, मतलब ये खुद ही ठीक हो जाती है, कुछ केसेस में आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है एंड sinusitis is not that serious।
उसके बाद है हमारे पास ओटाइटिस मीडियम। बेटा ओटाइटिस मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास मिडिल लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है। मिडिल लेयर में आपको पता है कि 3 बोनी ऑसिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब मिडिल लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से पेशेंट की हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, और जब आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड होगी और बल्ज करेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। और जो चौथी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन है जो कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है, दैट इज निमोनिया। निमोनिया में आपको पता है कि पेशेंट की क्या क्लिनिकल पिक्चर हो सकती है। निमोनिया में पेशेंट को फीवर होगा, चिल्स होंगे और साथ में शार्प पेलियोटिक चेस्ट पेन होगी और स्पिरिटिटी प्रोडक्शन होगी। और जब आप पेशेंट का एक्सरे करेंगे तो उसके ऊपर लोबार निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकियल निमोनिया हो सकता है। उसके अलावा अगर निमोनिया कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं तो पेशेंट को प्लूरलिफेरेशन डेवलप हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। और अगर एल्डरली में आप निमोनिया को ट्रीट ना करें तो निमोनिया कैन बी फेटल इन एल्डरली। उसके अलावा हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस, सेलुलाइटिस और सेप्सिस भी हो सकता है। बेटा सबको समझ आ रही है? अगर हम इनके डायग्नोसिस की बात करें तो आप इनका स्पेसिमेन कहां से लेंगे? बेटा वो डिपेंड करता है फिर से कि पेशेंट को कौन सी क्लिनिकल पिक्चर है। अगर पेशेंट को एपिग्लोटाइटिस है तो आप पेशेंट का ओरल स्वाब देंगे। अगर पेशेंट को मेनिनजाइटिस है तो आप लंबार पंचर करते हो, सीएसएफ का आप सैंपल लेते हो। तो डिपेंड करता है पेशेंट को कौन सी इन्फेक्शन है और आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का आप स्पेसिमेन लोगे। और उस स्पेसिमेन को जब आप लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस नजर आएंगे। अगर आप उसे कल्चर करना चाहते हैं तो आप उसे कल्चर करेंगे चॉकलेट हैगर पे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। उसके अलावा सेरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें हम बता रहे हैं कि डिफरेंट एंटीजेंस या फिर उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटा पहले हमारे पास हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जो इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन थे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन थे, ठीक है। बच्चों में बहुत कॉमनली डिजीज कॉज कर रहे थे एंड दे वर ऑफन फेटल बिकॉज ऑफ एपिग्लोटाइटिस एंड निमोनिया। तो फिर इनके लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई पर्टिकुलरली टाइप बी स्ट्रेन के केस जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, मोस्ट कॉमन कॉज है टाइप बी स्ट्रेन इन्फेक्शन की। टाइप बी स्ट्रेन के केस हमारे पास वैक्सीन डेवलप की गई। उसके बाद इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन के केसेस बहुत कम हो गए। और अगर अब हमें कोई केस नजर आता है तो वो मोस्टली नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से होता है। हाँ अलबत्त अगर किसी बच्चे की इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वैक्सीनेशन नहीं हुई, अगर किसी बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसमें फिर से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन की वो टाइप बी इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन की होगा। और वैक्सीन में हम क्या यूज करते हैं? वैक्सीन में हम इसी बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड कैप्सूल यूज करते हैं। इस बैक्टीरिया के पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को आइसोलेट करते हैं, उसे प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, मोस्टली थायरोटॉक्सिन के साथ या किसी दूसरी कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। और जब आप उस प्रोटीन को और कैप्सूल के कॉम्बिनेशन को ब्लड में पेशेंट को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। फिर जब हमारे पास सब्सिक्वेंटली जब एक्चुअल बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं और वो एंटीबॉडीज आके उस बैक्टीरिया के कैप्सूल को अटैक करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे पास इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। यहाँ तक बेटा हमने हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बॉर्टेला पर्टुसिस के बारे में। बेटा बॉर्टेला पर्टुसिस भी हमारे पास स्मॉल ग्राम नेगेटिव इनकैप्सुलेटेड कोकोबैसिलस है। जस्ट लाइक हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा इट इज आल्सो अ स्मॉल ग्राम नेगेटिव इनकैप्सुलेटेड कोकोबैसिलस। इसे आप कल्चर किस पे करते हैं बेटा? इसे आप कल्चर करते हैं बॉर्डेट जेंजू मीडियम पे। बॉर्डेट जेंजू भी कहते हैं, गेंगू भी कहते हैं, आपको जो ऊपर नॉक्सिक्सांड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास कल्चर करते हैं बॉर्डेट जेंजू मीडियम पे। और ये हमारे पास कॉज करते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्या होती है वो हम आगे जाके देखेंगे, पहले उनकी डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन। फॉर डिस्कसिंग ट्रांसमिशन यू हैव टू नो द रिजर्वॉयर। इस बैक्टीरिया का रिजर्वॉयर भी हमारे पास ह्यूमन ही है। ये बैक्टीरिया भी ह्यूमन पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलोनाइज करता है। एंड जस्ट लाइक हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसकी ट्रांसमिशन भी हमारे पास पर्सन टू पर्सन होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इसकी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होगी।
पैथोजेनेसिस की बात करें तो बेटा ये हमारे पास एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं फिलामेंटस हेम अग्लूटेनेज। फिलामेंटस हेम अग्लूटेनेज का फंक्शन ये है कि वो बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। बेसिकली फिलामेंटस हेम अग्लूटेनेज हमारे पास जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसके ऊपर जाकर सीलिया के साथ अटैच होते हैं और फिर बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंट्री को फैसिलिटेट करते हैं। तो फिलामेंटस हेम अग्लूटेनेज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर आप किसी तरीके से फिलामेंटस हेम अग्लूटेनेज को रिमूव कर दें तो दिस बैक्टीरिया कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन बिकॉज इट कैन नॉट कॉलोनाइज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और इट कैन नॉट एंटर द सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विदाउट फिलामेंटस हेम अग्लूटेनेज। तो वो उसकी पैथोजेनेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन ये है कि वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे सीलिया के साथ अटैच होते हैं और बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंट्री को फैसिलिटेट करते हैं। वंस द बैक्टीरिया हैज गेन्ड एंट्री इनसाइड द सेल वहां पे जाके बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा पर्टुसिस टॉक्सिन। पर्टुसिस टॉक्सिन का फंक्शन है बेटा, पर्टुसिस टॉक्सिन का ये फंक्शन है कि एडीपी रिबोसाइलेशन करेगा जी आई प्रोटीन की। जब वो हमारे पास जी आई प्रोटीन या इनहिबिटेड जी प्रोटीन की एटीपी रिबोसाइलेशन करेगा तो उसकी वजह से जो जी एस प्रोटीन है, क्योंकि जी एस और जी आई प्रोटीन एक पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो जी एस प्रोटीन है वो ओवर एक्टिव होगी। जब वो ओवर एक्टिव होगी तो प्रोड्यूस करेगी सिकली के एम पी। सिकली के एम पी की वजह से हमारे पास सिकली के एम पी डिपेंडेंट काइनेजेस एक्टिवेट होंगे और जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा होगा रेस्पिरेटरी निकोजा में और फिर उस एडिमा की वजह से हमारे पास स्प्रेड कफ होती है। उसके अलावा जो हमारे पास बॉर्डर ऑफ पर्टुसिस है वो पर्टुसिस टॉक्सिन के अलावा हमारे पास प्रोड्यूस करता है ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन। ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन आपको नाम से क्लियर है कि इसका फंक्शन क्या है, साइटोटॉक्सिन मतलब इट इज दिस टॉक्सिन इज किलिंग सेल्स और ट्रेकिया मतलब ट्रेकियल का मतलब ट्रेकिया के सेल्स को ये टॉक्सिन किल करता है। तो ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया के सेल वॉल का हिसाब है दैट डैमेजेस सीलिया फैसिलिटेट सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Tracheal cytotoxin appears to act in concert with endotoxin to induce nitric oxide which kills the ciliated epithelial cells. Tracheal cytotoxin basically हमारे पास respiratory epithelial cells में produce करता है nitric oxide और उस nitric oxide की वजह से हमारे पास उनकी death होती है। उसके अलावा ये bacteria हमारे पास produce करता है adenylate cyclase। जब bacteria हमारे पास adenylate cyclase produce करता है और cell से bind export करता है तो जो एडेनाइलेट साइक्लेज है वो न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जो कि ये न्यूट्रोफिल्स हमारे पास बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उन न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। और पर्टुसिस टॉक्सिन का एक और फंक्शन है, वो फंक्शन हमारे पास ये है कि ये पर्टुसिस टॉक्सिन कीमोकाइन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। अब जब बेटे जहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन होती है ना उसकी सराउंडिंग में सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं LTB4 ल्यूकोट्राइन B4। LTB4 का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करवाता है टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया का जो पर्टुसिस टॉक्सिन है वो LTB4 को इनहिबिट करता है। जब वो LTB4 को इनहिबिट करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस नहीं होगी और न्यूट्रोफिल्स टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन मूव नहीं करेंगे। इंस्टेड हमारे पास पता है पेशेंट में हमारे पास लिम्फोसाइटोसिस नजर आता है। लिम्फोसाइटोसिस मतलब कि पेशेंट की ब्लड में लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो जाते हैं, बी सेल और टी सेल ज्यादा हो जाते हैं। अब बेटा हमारे पास जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमेशा पेशेंट के ब्लड में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ज्यादा होंगे। जितनी भी हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है उसमें पेशेंट के ब्लड में हमेशा लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक मार्कर्स होते हैं कि अगर पेशेंट की ब्लड में लिम्फोसाइट्स ज्यादा है तो वायरल इन्फेक्शन है, अगर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन ये हमारे पास एक खास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें पेशेंट में हमें लिम्फोसाइटोसिस नजर आता है, लिम्फोसाइट्स नजर आते हैं ज्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास पर्टुसिस टॉक्सिन है वो कीमोकाइन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रहा है। बेटा सबको समझ आई यहां तक? तो अब समराइज करते हैं कि जो हमारे पास बॉर्टेला पर्टुसिस है इसके हमारे पास विरुलेंस फैक्टर्स क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है वो है हमारे पास फिलामेंटस हेम अग्लूटेनिन। उसका फंक्शन क्या है? फिलामेंटस हेम अग्लूटेनिन का फंक्शन ये है कि सीलिएटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे जाके सीलिया के साथ अटैच होगा और बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंट्री को फैसिलिटेट करेगा।
उसके बाद आ गया हमारे पास पर्टोसिस टॉक्सिन। पर्टोसिस टॉक्सिन क्या करता है कि हमारे पास जी आई प्रोटीन इनहिबिटेड जी प्रोटीन की एंटी को रेगुलेशन करेगा, जिसकी वजह से जी एच प्रोटीन ओवर एक्टिव होगी, जिसकी वजह से सिकलिक एएमपी प्रोड्यूस होगा। सिकलिक एएमपी की वजह से सिकलिक एएमपी डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होंगे और जिसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में एडिमा डेवलप होगा व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द बॉडी का। दूसरा फंक्शन क्या है पर्टोसिस टॉक्सिन का? दूसरा फंक्शन यह है कि वो कीमोकाइन रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक तो न्यूट्रोफिल्स की केमोटैक्सिस की होती है टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और दूसरा हमारे पास पेशेंट के ब्लड में लिम्फोसाइटोसिस होगा जो कि हमें पेशेंट के डायग्नोसिस में मिसगाइड कर सकता है टू लेबल इट एज अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि लिम्फोसाइट्स अक्सर वायरल इन्फेक्शन में ज्यादा होते हैं और न्यूट्रोफिल्स अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज्यादा होते हैं। वो आपने इसमें खास ख्याल रखना होता है कि पेशेंट को ओपन कफ तो नहीं है। उसके बाद क्या है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन। ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन का क्या फंक्शन है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है सेल्स के अंदर और ट्रेकियल सेल्स की डेथ कॉज करता है। और फिर हमारे पास है एडेनिनाइट साइक्लेज। एडेनिनाइट साइक्लेज हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो हमारे पास जो फिलामेंटस जो हमारे पास पॉलीडा प्रोटोसिस है उसके चार इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले फिलामेंटस हेमोग्लोबिनेज है, फिर प्रोटोसिस टॉक्सिन है, ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन है और एडेनिनाइट साइक्लेज है। क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे पास क्या होंगे वोपिंग काफ में? बेटा वोपिंग काफ की हमारे पास बेसिक चार स्टेजेस होती हैं। एक होती है पहली स्टेज होती है इंक्यूबेशन स्टेज, दूसरी होती है कैटाइल स्टेज, तीसरी होती है प्रॉक्सिमल स्टेज और चौथी होती है कॉन्वालेसेंस स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज में क्या होता है बेटा? इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड हम उस टाइम गैप को कहते हैं विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टाइम ऑफ एक्सपोजर एंड द टाइम ऑफ सिम्पटम ऑनसेट। मतलब जब पेशेंट को फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है और जब पेशेंट को पहला सिम्टम आया उसके दरमियान टाइम गैप होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी फेज है वो है कैटाइल फेज। कैटाइल फेज में पेशेंट को हमारे पास नॉन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स होंगे। उसके पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा, एलजीएस होंगे, चेस्ट पेन हो सकती है, थ्रोट पेन हो सकती है और साथ में पेशेंट को बिल्कुल माइल्ड सी कफ होगी, माइल्ड सी कफ होगी। जो तीसरी फेज है स्टेज है प्रॉक्सिमल स्टेज, उसमें हमारे पास पेशेंट को प्रॉपर कोपिंग कफ के साइन और सिम्टम्स आते हैं। इसमें होता है कि पेशेंट को जब हमारे पास इंस्पिरेशन बेसिकली ये होता है कि पर्टोसिस टॉक्सिन की वजह से रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में एडिमा डेवलप हो जाता है। उस एडिमा की वजह से जो हमारे पास जो ट्रेकियल ओपनिंग होती है उसकी नैरोइंग हो जाती है। तो उस पेशेंट की जब नैरोइंग होगी ना तो तब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा, लाइक एयर अंदर लेके जाएगा, तब हमारे पास ब्रीथिंग प्रोड्यूस होती है। और जब पेशेंट एक्सपायर करता है, मतलब कि जब पेशेंट एक्सहेल करता है, तब हमारे पास पेशेंट को कफ आती है। तो उस स्टेज के विषय कहते हैं ओपन कफ। और जो चौथी स्टेज होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वालेसेंस स्टेज। प्रॉक्सिमल स्टेज में पेशेंट को फुल ब्लोन ओपन कफ होगी और चौथी जो स्टेज है जो कॉन्वालेसेंस स्टेज है उस स्टेज में जाके पेशेंट के फिर साइंस और सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन चार स्टेजेस में अगर आप इसे इस पर मेडिसिन के थ्रू इंटरफेयर ना करें तो इसमें अप टू 100 डेज लग सकते हैं, इसलिए हम ओपन कफ को 100 डे कफ भी कहते हैं। हम स्लाइड से पढ़ते हैं वोपिंग कफ क्या है। वोपिंग कफ बेसिकली एक्यूट ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस है बिगिंस विद माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स फॉलोड बाय अ सीवियर प्रॉक्सिमल कफ व्हिच लास्ट फ्रॉम 1 टू 4 डेज। जो हमारे पास प्रॉक्सिमल स्टेज है वो 1 से 4 हफ्ते तक हो सकती है। द प्रॉक्सिमल पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ हैकिंग कफ्स अकॉम्पनीड बाय अ प्रोडक्शन ऑफ कॉपियस अमाउंट ऑफ म्यूकस दैट एंड विद एन इंस्पिरेटरी व्होप एज एयर रशेस पास्ट द नैरोएस्ट ग्लॉटिस। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हमारे पास एयर नैरो ग्लॉटिस से पास करते हैं तब हमारे पास वो प्रोड्यूस होता है और पेशेंट को इसमें बहुत ज्यादा सीवियर हैकिंग कम होती है। ऑर्गेनिज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द ब्लड कल्चर्स आर नेगेटिव। अब प्रोनाउंस ल्यूकोसाइटोसिस विद अप टू 70% ल्यूकोसाइट्स इज सीन। इस पेशेंट में हमारे पास बोर्टेला प्रोटोसिस हमारे पास सेप्सिस बहुत रेयरली कॉज करता है। ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही रहता है और वहाँ पर सिर्फ ये कॉपिंग कफ कॉज करता है या फिर एक्यूट ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस कॉज करेगा, इसलिए इसमें जो हम ब्लड कल्चर करते हैं वो नेगेटिव आते हैं। और लिम्फोसाइटोसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बोर्टेला प्रोटोसिस की इन्फेक्शन में या कॉपिंग कफ पेशेंट को लिम्फोसाइटोसिस हो सकता है।
In adults with cough lasting several weeks, often called a 100-day cough, should be evaluated for infections in four dermatopathies. मतलब अगर adults को हमारे पास काफी देर से cough है, तो उसमें आपने दो चीजों के लिए patient को examine करना होता है. अगर patient सो गया तो फिर आपने तीन चीजों के लिए examine करना होता है. तीन चीजें कौन सी हैं? COPD है, TB है और whooping cough है. अगर patient smoker है, अगर patient smoker नहीं है, फिर आप TB देखते हो साथ में. पेशेंट को बॉटल ऑफ प्रोसेस या फिर कोपिंग कप के लिए देखती हो. अगर पेशेंट को लिम्फोसाइटोसिस है तो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द बॉटल ऑफ प्रोसेस और द कोपिंग कप डायग्नोसिस. ये हमारे पास चार स्टेजेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है. जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज. इंक्यूबेशन स्टेज में हमारे पास इंक्यूबेशन गैप इज द टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एक्सपोजर एंड द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट सिम्पटम. इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट को कोई साइन ऑफ सिम्टम्स नहीं होते. फिर आती है किटारल फेज. किटारल फेज में नॉन स्पेसिफिक साइन ऑफ सिम्टम्स होंगे. फॉर एग्जांपल रनिंग नोज हो सकती है, फीवर हो सकता है, मिलेज हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है. तो आप किटारल फेज में डायग्नोस नहीं कर सकते. फिर आती है प्रॉक्सिमल स्टेज. प्रॉक्सिमल स्टेज में हमारे पास पेशेंट को प्रॉपर कोपिंग कॉफ होती है. और फिर हमारे आती है कॉन्वलेसेंस स्टेज. कॉन्वलेसेंस स्टेज में सिम्टम्स हमारे पास साइज तक कम हो जाते हैं. तो इस पूरी एपिसोड को रिजॉल्व होने में अगर आप मेडिसिन से इंटरफेयर नहीं करेंगे तो उसमें अप टू 100 डेज लग सकते हैं. इस कैंसर को कोपिंग कॉफ भी कहते हैं. तो आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? बेटा आप इसको डायग्नोस करेंगे थ्रू ओरल स्वाब. हमारे पास जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये ऑर्गेनिज्म फेरिंग्स को कोलोनाइज करेगा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन कॉज करता है. तो आप इस पेशेंट को ओरल स्वाब करते हैं, ठीक है. और जब आप अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राम नेगेटिव स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होंगे. उसके अलावा आप इन्हें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनलेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आप इन्हें कल्चर करना है तो आप इन्हें कल्चर करेंगे ऑन बॉर्डर जेंजो मीडियम. और हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं मैक्रोलाइट के थ्रू. एरिथ्रोमाइसिन हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है. जो पोल्ट्री मॉक्सल है पहले हम यूज करते थे, लेकिन अब इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और साइड इफेक्ट प्रोफाइल की वजह से अब इसे यूज नहीं करते. अब जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पिकअप के लिए वो हमारे पास मैक्रोलाइट्स हैं. बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? चलिए आप कंटिन्यू करते हैं लीजनेला नेमोफिलिया. मेरा जो हमारे पास लीजनेला नेमोफिलिया इट इज अ स्मॉल ग्राम नेगेटिव फ्रॉड. लेकिन हम इसे कोकोबैसिलस क्लासिफाई नहीं करते क्योंकि इसका साइज इतना छोटा नहीं होता. इट इज अ ग्राम नेगेटिव फ्रॉड. लेकिन लीजनेला नेमोफिलिया में एक डिफरेंट फीचर ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से अक्सर ये ग्राम स्टेन को रिटेन कर ही नहीं पाता. और हमारे पास कुछ केसेस में आप इसे ग्राम स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ केसेस में आप इसे स्टेन नहीं कर सकते. जो लीजनेला है ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड है. जो हमने अनकैप्सुलेटेड है, जो हमने पैरेलल पढ़े हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और पॉट एपोप्टोसिस, वो दोनों इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे. और जो हमारे पास लीजनेला है ये हमारे पास अनइनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसके कैप्सूल नहीं होता. और आप इसे कल्चर किस पे करेंगे? आप इसे कल्चर करते हैं चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एटेपिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सिस्टीन. आप इसे कल्चर करते हैं चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एटेपिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सिस्टीन. अगर आयरन या सिस्टीन कल्चर में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे पास आप इसे ग्रो नहीं कर सकते, इसकी कॉलोनी को ग्रो नहीं कर सकते. ट्रांसमिशन की बात करें बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया की, बेटा हमने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और बॉटल एपोप्टोसिस में पढ़ा कि वो दोनों हमारे पास ह्यूमंस की फेरिंग्स को कोलोनाइज करते हैं और उनकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. लेकिन जो हमारे पास लीजनेला है ये ऑफन हमारे पास फ्रेश वाटर सोर्सेज में प्रेजेंट होता है और उन्हीं फ्रेश वाटर सोर्सेज से ये हमारे पास एरोसोल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वाटर कूलर में या फिर एसी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके फ्रेश वाटर में, तो जब हमारे पास वाटर कूलर आप यूज करेंगे तो उससे आपको पता है कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं. और अगर वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बैक्टीरिया के साथ कॉन्टेमिनेट हैं तो उन ड्रॉपलेट्स को जब आप इनहेल करेंगे तो फिर बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन होगी. तो इनका रिजर्वायर क्या है? इनका रिजर्वायर हमारे पास है फ्रेश वाटर सोर्सेज. और इनकी ट्रांसमिशन क्या है, कैसे होती है? इनकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स.
बैक्टीरिया लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि दिस बैक्टीरिया हैज द एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम फेगोसोम। जब हमारे पास फेगोसोम फ्यूज करता है लाइसोसोम के साथ तब बैक्टीरिया हमारे पास फेगोसोम से एस्केप कर जाता है और फिर सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करता रहता है और इवेंचुअली हमारे पास सेल्स के अंदर निमोनिया कॉज करता है, सॉरी लंग्स के अंदर निमोनिया कॉज करता है। ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस टू मल्टीप्लाई विद द फेगोसोम, सेल रप्चर्स, रिलीज अ न्यू क्रॉप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच गो ऑन टू इन्फेक्ट अदर सेल्स, अदर एल्वियोलर सेल्स इन द लंग्स और फिर वहां पे हमारे पास निमोनिया होगा। ये बेटा हमारे पास दो क्लासिक क्लिनिकल कंडीशन कॉज करता है, एक हमारे पास है लीजनेरस डिजीज और दूसरी है हमारे पास पॉन्टियक फीवर। बेटा लीजनेरस डिजीज हमारे पास बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, इसके पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा और शार्प प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी, उसके अलावा पेशेंट को इसमें ब्रोंकियल निमोनिया होता है, इंसेफलोपैथी होती है, डायरिया होता है और रीनल फेलियर डेवलप हो सकता है। तो इसमें पेशेंट को हमारे पास सबसे पहले डेवलप होगा, सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा लंग्स को, लंग्स में हमारे पास कॉज करेगा निमोनिया जिसकी वजह से स्पिरेटरी प्रोडक्शन होगी, शार्प रेटिक चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को हाई रेट फीवर होगा। उसके बाद ये इन्फेक्ट करता है मोस्टली जी आई ट्रैक को जिसमें डायरिया कॉज कर सकता है, उसके बाद ये ब्रेन तक कट करता है वहाँ पर जाके इंसेफलोपैथी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट कॉज करता है और फिर डायरियल फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करता है और रेस्पिरेटरी फेलियर यूजुअली हमारे पास इसमें कॉज ऑफ डेथ होती है और लीजनेरस डिजीज का हमारे पास फिटाइलिटी रेट काफी ज्यादा हाई है। और जो हमारे पास दूसरी क्लिनिकल कंडीशन कॉज कर रहे हैं उसे कहते हैं पॉन्डियाक फीवर। बेटा पॉन्डियाक फीवर हमारे पास बहुत ही ज्यादा नॉन स्पेसिफिक और सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, इसमें पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, मेल्जियस होंगे, हेडेक होगी, कफ हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकती है, नॉसिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, मतलब पेशेंट से खुद ही ठीक हो जाता है, आपको इंटरवीन करने की एंटीबायोटिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है और पॉन्डियाक फीवर से ऑफन पेशेंट की डेथ नहीं होती। सो आप लीजनेरस डिजीज का आपने ख्याल रखें और पॉन्डियाक फीवर तो वैसे ही हमारे पास सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। लीजनेरस डिजीज में एक हमारे पास ये है कि आपकी बैक्टीरिया को डायग्नोज कैसे करेंगे, बेटा उसमें आप डायग्नोज हम कैसे करेंगे, इसमें हम बैक्टीरिया को एक तो कल्चर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को निमोनिया है तो आप इसमें कल्चर कर सकते हैं स्प्यूटम से, या फिर आप ब्लड से कल्चर ले सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास ब्लड के थ्रू ही जीआई ट्रैक, किडनी और ब्रेन तक स्प्रेड कर रहा है। आप इसे कल्चर कर, आप इसका स्पेसिमेन लेके आप इसे कल्चर कर सकते हैं चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एकर के इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सिस्टीन। लेकिन आपको पता है कि कल्चर आने में पेशेंट अक्सर हमारे पास एक वीक से दो वीक लग जाते हैं, दैट इज अ स्लो प्रोसेस, आपने पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो करना होता है। तो इसका फिर सोल्यूशन ये है कि आप इसके बैक्टीरिया टेस्ट करते हैं यूरिन टेस्ट, अगर पेशेंट के यूरिन में सोडियम लो हो या फिर बैक्टीरियल एंटीजन को आप आइडेंटिफाई कर लें तो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ लीजनेरस डिजीज, क्योंकि लीजनेरस डिजीज में पेशेंट के यूरिन में सोडियम कम होता है और बैक्टीरियल एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो आप इन्हें यूरिन टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिमेन लेके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो मोस्ट क्विक और मोस्ट रिलायबल मेथड है वो हमारे पास वैसे जो मोस्ट रिलायबल मेथड है बेटा वो तो हमेशा ही कल्चर होता है हमेशा, लेकिन कल्चर करने में टाइम लगता है। तो लीजनेरस डिजीज को अगर आपने डायग्नोज करना है, अगर आपने टाइमली ट्रीट करना है, तो उसमें जो हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट है वो हमारे पास यूरिन टेस्ट है। तो लैब डायग्नोसिस के लिए आप इसका स्पेसिमेन ले सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स ले सकते हैं अगर पेशेंट को निमोनिया है, अगर पेशेंट को प्लूरल डिफ्यूजन डेवलप हो गया तो आप वहां से सैंपल ले सकते हैं। जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव क्लॉट होंगे, उसके अलावा आप इन्हें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कल्चर आप इन्हें करते हैं चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एकर के ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सिस्टीन।
और जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो हमारे पास एंटीजन एंटीजन डिटेक्शन है इन यूरिन। यूरिन में आप एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे और उसमें सोडियम लो होगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं एजिथ्रोमाइसिन और साथ में फ्लोरोक्विनोलोन। एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और फ्लोरोक्विनोलोन आपको पता है कि फ्लोरोक्विनोलोन है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये इसमें हमारे पास हाईली इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर हमारे लेक्चर खत्म हो गया। एक चीज आपको मैं बताता चलूंगी, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया, तो आपको क्या आंसर होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। What is the most common cause of bacterial pneumonia? Streptococcus. हाँ जी बिल्कुल। The most common cause of bacterial pneumonia is Streptococcus pneumonia. Second most common cause हमारे पास Haemophilus influenza है और third most common cause हमारे पास Staph aureus है। Legionella pneumophila हमारे पास बहुत ही rarely Legionella disease cause करेगा, pneumonia cause करेगा, लेकिन जब हमारे पास Legionella disease होती है तो it can be fatal. और वैसे अगर आप देखें ओवरऑल देखें ओवरऑल प्रेसिडेंस देखें तो हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया है वो हमारे पास वायरल निमोनिया है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपके सवाल जब पूछा जा रहा है आपने उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है। अगर यहाँ से कुछ टेल मी टू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, अब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपसे बैक्टीरियल निमोनिया पूछा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज खत्म हो गया। अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गई? यस। चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। Allah Hafiz. Allah Hafiz.